Today we are going to talk about Uncle Tom's Cabin, a novel by American author Harriet Beecher Stowe. So friends, it is a novel in which a story of an elderly person named Tom. यहाँ पे एक टॉम नेम का पर्सन है जो एक स्लेव है और उसकी ही ये स्टोरी है अंकल टॉम्स कैबिन, मीन्स उसी स्लेव का एक कैबिन है और उस कैबिन की क्या खासियत है वो बात करेंगे हम कि ये टाइटल क्यों रखा गया है अंकल टॉम्स कैबिन के नाम से। और इसमें आप ये कह सकते हो कि ये बताया गया है कि जो US में उस टाइम पे जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था, तो आप ये कह सकते हो कि एक एंटी स्लेवरी नोवल है और सिविल वॉर के लिए ग्राउंड का काम किया था इस नोवल ने कि लोगों को ये बताया कि स्लेवरी कितनी बैड थिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नोवल की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा ये नोवल जिसमें स्लेवरी के बारे में बताया हुआ है कि स्लेव्स के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। कैरेक्टर में जैसा कि प्रोटैगनिस्ट या फिर आप कह सकते हो जो ओल्ड स्लेव की जो हम बात कर रहे हैं अंकल टॉम की, तो वो अंकल टॉम जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप ये कह सकते हो कि बाय नेचर और क्राइस्ट फिगर कह सकते हो कि ये क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते हैं और उन्हीं की तरह मतलब अच्छे विचारों पे चलते हैं और लोगों को माफ़ भी कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं उनकी गलतियों पे। तो ये जो पूरी जो नोवेल है ये इसी पे बेस्ड है, अंकल टॉम पे। और इनकी जो वाइफ है आंट क्लोए, ये इनकी वाइफ हैं और इन्हीं की तरह बहुत अच्छी हैं। और ये दोनों जब स्टार्टिंग में जब नोवेल स्टार्ट होता है तो ये शेल्बी, मिस्टर एंड मिसिस शेल्बी के यहाँ काम करते हैं, उनके स्लेव हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और आप ये कह सकते हो कि ये जो इनकी वाइफ हैं ये शेल्बी की कुक हैं और जो मिसिस शेल्बी हैं एमिली शेल्बी जिनका नाम है उनकी फेवरेट सर्वेंट कह सकते हो। और इनका जो मास्टर है वो आर्थर शेल्बी है। आर्थर शेल्बी एंड एमिली शेल्बी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनके यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सर्वेंट हैं ये। और ये टॉम का मास्टर है और ये कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट आर्थर और एमिली शेल्बी इन केंटकी, और केंटकी में ही ये यहाँ पे इनके साथ में रह रहे हैं ये स्लेव ओनर्स जो हैं। ओके, अब हम आगे कैरेक्टर की बात करें तो जॉर्ज शेल्बी ये इनका बेटा है, मतलब आर्थर और एमिली शेल्बी का बेटा। आर्थर हैरिस नाम का एक जॉर्ज हैरिस नाम का एक और है, मतलब यहाँ पे जॉर्ज शेल्बी है एक जॉर्ज हैरिस है। जॉर्ज हैरिस जो है वो एलिजा का हस्बैंड है। अब एलिजा कौन है, जैसा कि अंकल टॉम आंट क्लोए इन्हीं की तरह और सर्वेंट हैं ये एलिजा हैरिस। ओके, और इनका बेटा है जॉर्ज हैरिस। ओके, तो जो मास्टर है उनके बेटे का नाम जॉर्ज शेल्बी है और यहाँ पे एक जो सर्वेंट और काम कर रही है एलिजा नाम की, इनके बेटे का नाम जॉर्ज हैरिस है। और सॉरी, इनके हस्बैंड का नाम है एलिजा हैरिस के हस्बैंड का नाम है जॉर्ज हैरिस और इनके बेटे का नाम है हैरी हैरिस। एलिजा और जॉर्ज का एक बेटा भी है। ओके, ये भी यहाँ पे सर्वेंट हैं और इनका बेटा इनके साथ में रहता है। जॉर्ज हैरिस जो है एलिजा हैरिस का हस्बैंड, वो इनके साथ में सर्वेंट नहीं है, वो भी एक सर्वेंट है लेकिन एट अनदर प्लेस। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एलिजा भी बहुत अच्छी हैं, मेड हैं मिसेस शेल्बी की, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये इनकी जो वाइफ और हैरी की जो मदर हैं, जॉर्ज की वाइफ हैं, और यहाँ पे कुछ डिसीजन लेंगी वो इनके मास्टर्स के ख़िलाफ़। वो किस तरीके का लेंगी, मतलब अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटे की लाइफ के लिए। आगे हम बात करें कैरेक्टर की, अगस्टिन एंड मैरी सेंट क्लेयर, तो ये जो हैं मिस्टर एंड मिसेस क्लेयर, ये परचेजर ऑफ टॉम, मतलब टॉम स्टार्टिंग में इनके मास्टर जो हैं आर्थर जो थे इन्होंने इनको बेचा था अगस्टिन सेंट क्लेयर को। और ये इनकी वाइफ है मैरी जो हैं, और इनकी जो वाइफ इनकी जो डॉटर हैं मिस्टर क्लेयर की, ईवा सेंट क्लेयर, इनकी जो डॉटर हैं वो इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है अंकल टॉम से। और क्योंकि ये भी क्रिश्चियनिटी को बहुत मानती थी, इनकी बेटी जो थी ईवा बहुत छोटी बच्ची, और लेकिन ये क्रिश्चियनिटी को बहुत मानती थी और इस वजह से इनके अंदर काफ़ी मतलब बॉन्डिंग हो गई थी अच्छी अंकल टॉम और एवा क्लेयर के बीच में।
टॉप्सी नाम के एक ब्लैक चाइल्ड है। स्टार्टिंग में सेंट क्लेयर इसको लेके आते हैं अपनी कजिन को देने के लिए, मिस ऑफेलिया को, कि इसको एजुकेट करो, क्योंकि जो मिस ऑफेलिया थी उनके थोड़े से विचार अलग थे स्लेवरी को लेके, इसलिए इनके लिए लेकर आए थे ये इसको टॉप्सी को। मिस ऑफेलिया जो हैं, जैसा कि मैंने बताया मिस ऑफेलिया कौन है, ये सेंट क्लेयर या फिर मिस्टर क्लेयर की नॉर्दर्न कजिन। एमलाइन कैसी, ये दोनों ही स्लेव्स हैं लिग्री की, साइमन लिग्री के स्लेव्स हैं। यहाँ पे एमलाइन और ये दोनों भाग भी जाती हैं बाद में, कैसी और एमलाइन, और इनकी हेल्प टॉम अंकल करते हैं, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा हर्जाना भी देना पड़ता है कि इतनी पिटाई करवाता है साइमन लिग्री उसकी कि वो मर जाते हैं। और आगे कैरेक्टर है मिस्टर हैली। मिस्टर हैली जो हैं वो स्टार्टिंग में आप देखो तो जब हम नोवेल डिस्कस करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगी कि मिस्टर ऑर्थर से इनको ख़रीदता है, ये एक ट्रेडर है। और उसके बाद में जब वो ये भाग जाती है एलिजा हैरिस अपने बेटे को लेके इनके चंगुल से छुड़कर, तो टॉम लॉकर को ये हायर करता है, एक स्लेव हंटर है टॉम लॉकर, जो जिसको मिस्टर हैली ये काम देता है कि तुम एलिजा और उसके बेटे को पकड़ के लाओ वापस। एमिली डे थॉक्स जो हैं वो कैसी और एमलाइन से मिलती हैं, और बाद में पता चलता है कि जॉर्ज हैरिस की सिस्टर हैं, मतलब एलिजा हैरिस के हस्बैंड की सिस्टर हैं, ओके, एमिली नाम की। तो यहाँ पे ये जो ज़्यादातर मेजर कैरेक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक साइमन लिग्री बच गए, जो साइमन लिग्री जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रूड मास्टर थे, स्लेव्स रखते थे, एक उनका प्लांट भी था जिनमें वो बहुत सारे स्लेव्स को रखते थे, ओके। सो यहाँ पे इन कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब नोवेल की, तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन राइटर हैं हैरियट बीचर स्टो, और इनका ये नोवेल है, इसके अंदर एक एल्डरली स्लेव की बात होगी अंकल टॉम की, एंड दिस नोवेल इज पब्लिश्ड इन 1852। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि द नोवेल हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी इन US, और जैसा कि मैंने कहा कि ये US में जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट यहाँ पे सिविल वॉर के का एक ग्राउंड वर्क तैयार किया था इस नोवेल ने। तो स्टार्टिंग में जैसे ही नोवेल ओपन होता है तो मिस्टर शेल्बी जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जहाँ पे अंकल टॉम और उनकी वाइफ और उनके बच्चे जहाँ पे थे वहाँ से ओपन होता है, जो इनका मास्टर है मिस्टर शेल्बी, वो एक स्लेव ट्रेडर मिस्टर हैली से बात कर रहा है। मिस्टर हैली क्या बात कर रहे हैं, किस लिए उससे बात कर रहा है? वैसे तो मिस्टर शेल्बी बहुत अच्छे पर्सन थे, मतलब अपने स्लेव से मिसट्रीट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे उनको बेचना पड़ रहा है मिस्टर हैली को अपने स्लेव्स को, क्योंकि उनके पास डेब्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए वो मतलब बेचने के लिए डिसाइड कर रहे हैं, मिस्टर हैली के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस्टर हैली ने कहा कि टॉम को मुझे बेच दो, तो मतलब मिस्टर शेल्बी थे, उन्होंने टॉम को और हैरी को बेचने का डिसीज़न लिया। हैरी कौन है? सन ऑफ एलिजा, जो वहाँ पे एक और सर्वेंट काम करती है। यहाँ तक कि एलिजा के साथ में मिसेस शेल्बी की बहुत अच्छी बनती थी, और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी भी बिकने नहीं दूंगी, क्योंकि मोस्टली स्लेव्स के साथ में ऐसा ही होता है कि ये सिस्टम जो है वो बढ़ता रहता है, और जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है उनके बच्चों को भी बेच देते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ के लिए मना किया था मिसेस शेल्बी ने, लेकिन यहाँ पे अब एलिजा के बेटे को बेचा जा रहा है। अब एलिजा इस बात को जब इसको पता चलता है तो वो, क्योंकि वो कन्वर्जेशन सुन लेती है मिस्टर शेल्बी और मिसेस शेल्बी के बीच में, तो वो जैसे ही सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे यहाँ से अपने बेटे को लेके भागना है। तो वो अंकल टॉम और उसकी वाइफ को, आंट क्लोए को भी वो वॉर्न करती है कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो, हम कनाडा चले जाएंगे, लेकिन वो राजी नहीं होते हैं। अंकल टॉम जो हैं वो यहाँ पे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और अपने मास्टर पे भी उनको बिलीव है, और उनको ये भी लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो भगवान करेंगे इस टाइप से, तो वो नहीं भागते हैं उनके साथ में, और वो खुद है वो भाग जाती है अपने बेटे को लेके, क्योंकि अर्लियर दैट डे कि वो अपने हस्बैंड से भी उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज हैरिस से, और वो उसको कहता है कि मैं भी अपने मास्टर के यहाँ से भाग आऊँगा, वो प्लानिंग करते हैं और हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे, और उसके बाद में रीयूनाइट इन कैनेडा, मतलब कैनेडा में जाके मिलेंगे।
तो हैले जो है वो क्या करता है कि जब उसको ये पता चलता है कि वो जिसको मैंने खरीदा था, मतलब हैरी को जो खरीदा है मैंने एलिजा के बेटे को, कि वो भाग गई है एलिजा अपने बेटे को लेके, तो वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे वो मतलब जो एलिजा होती है वो हाफ फ्रोजन ओहियो रिवर के अंदर से आइस के ऊपर वो मतलब फ्लोट करके दूसरे किनारे पे पहुँच जाती है। मतलब उसको अब अपने किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना है, और यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो ओहियो रिवर से ही सेपरेट हो रही हैं, केंटकी जहाँ पे वो रह रहे हैं यहाँ से लेकर नॉर्थ की तरफ वो निकल जाती है। हैली जो है वो किसी भी हालत में उसको अपने स्लेव्स चाहिए थे, इसलिए वो एक लोकर नाम के स्लेव हंटर को हायर करता है और वो उसे कहता है कि तुम एलिजा और उसके बेटे को पकड़ कर लेके आओ। तो वो उनके पीछे लग जाते हैं पूरी टीम के साथ में, उसकी गैंग होती है और लॉकर भी होता है। अब एलिजा और हैरी जो होते हैं, मतलब एलिजा जो है अपने बेटे को लेकर एक क्वैकर सेटलमेंट के वहाँ पे जाती है। क्वैकर्स वो लोग होते थे उस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे और बिना कोई मतलब हिपोक्रेसी के, बिना दिखावा के लोगों की हेल्प करते थे। स्लेव्स वगैरह वहाँ पे आते थे या फिर कोई फ्रीडम चाहता था तो उनकी हेल्प करते थे वहाँ से भागने में। तो वो क्वैकर्स के पास में जाती है और वो उनको प्रॉमिस करते हैं, वो एग्री करते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से मतलब सेफली जाने के लिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जब वो आती है यहीं पे जॉर्ज भी पहुँच जाता है, उसका हस्बैंड, और वो मतलब बहुत खुशी से वो पूरी फैमिली मिलती है और अब वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है कि अंकल टॉम जो दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि बहुत सैड है क्योंकि वो वहाँ से भागा नहीं था और वो बेच दिया गया है, ठीक है। और वो जो है अंकल टॉम सैडली लीव्स हिज फैमिली एंड जॉर्ज और शेल्बीज यंग सन। अब जो शेल्बी का यंग सन था जॉर्ज, शेल्बीज का मिस्टर एंड मिसेस शेल्बी का, तो उससे भी काफ़ी अटैचमेंट हो गया था अंकल टॉम को, लेकिन मतलब वो साथ में टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अब वो बहुत दुखी है, वो अपने मास्टर को छोड़ के जा रहा है उसके बेटे को, और वहाँ से चला जाता है क्योंकि जो हैली है जिसने उसे खरीदा था वो वहाँ से बोट में उसको मिसिसिपी टू बी ट्रांसफर टू ए स्लेव मार्केट वहाँ से ले जाता है और उसको बेचने के लिए। लेकिन बोट में जब वो जा रहे होते हैं तब वो टॉम जो है उसको एक बहुत ही आप कह सकते हो एंजल सी दिखने वाली बहुत ही क्यूट लड़की, छोटी सी वाइट गर्ल मिलती है एवा नाम की। अब एवा और उसमें बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब बातचीत होने लग जाती है, और एवा फिर वहाँ पे बोट के अंदर से रिवर में गिर जाती है जिससे टॉम जो है वो डाइव करके उसको बचाता है उसमें से। और उसके फादर जो थे, एवा के फादर अगस्टिन सेंट क्लेयर, ये सब कुछ देख रहे थे और उसको बहुत अच्छा लगता है कि इसने मेरी बेटी को बचाया, उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल फील होता है उसको। और वो हैली को कह देता है कि मैं टॉम को खरीदूंगा। तो अब है कि हैली जो है वो पहले ऑर्थर के पास था, अब वो ऑर्थर ने उसे बेचा तो हैली के पास आया, अब हैली से उसको मिस्टर क्लेयर ने खरीद लिया। अब क्लेयर का जो घर था वो न्यू ऑर्लिंस के अंदर था, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे उसकी बेटी भी एवा भी जाती है और एवा से वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि एवा भी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मानती थी और वो दोनों क्रिश्चियनिटी को शेयर करते थे, बातें करते थे। तो इस तरीके से कि दोनों का अटैचमेंट था। तो यहाँ पे जॉर्ज और एलिजा दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे लॉकर और उसके लोग उनके पीछे अब भी पड़े हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ जो कनाडा के लिए निकल रहे थे अब। और लॉकर जो है यहाँ पे उनको पकड़ भी लेता है। अब जॉर्ज को गुस्सा आता है, मतलब जॉर्ज को यहाँ पे एक आप ये कह सकते हो बहुत डेडिकेटेड पर्सन को दिखाया हुआ है कि उसको अपनी फैमिली से भी इतना लगाव है और वो उनके साथ में हैप्पीली रहना चाहता है फ्रीडम के साथ में, तो वो उनको शूट कर देता है लोकर को शूट करने के बाद में जो स्लेव हंटर्स हैं और उनको रिट्रीट वो वहाँ पे आ जाते हैं और उसको लोकर को वहाँ से लेके जाते हैं। और क्वैकर्स को कहती है एलिजा और कि मेरे हस्बैंड ने इसको घायल कर दिया है, तुम प्लीज़ इसके हेल्प करो हील करने में। तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से लोकर जो है वो एट द एंड चेंज भी हो जाएगा, उसका माइंड भी चेंज हो जाएगा कि स्लेव्स इतने बुरे नहीं होते हैं और स्लेवरी गलत चीज़ होती है।
यहाँ पे दूसरी तरफ सेंट क्लेयर जो थे वो स्लेवरी के बारे में, मिस्टर क्लेयर जो थे वो स्लेवरी के बारे में अपनी कजिन ओफिलिया के साथ में डिस्कस कर रहे थे। अब ओफिलिया मतलब ऑपोजिट स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन बट हार्बर्स डीप प्रिजुडिसेस अगेंस्ट ब्लैक्स, लेकिन यहाँ पे वो ब्लैक लोगों के बारे में काफ़ी गलत कहती है, मतलब सही राय नहीं रखती है जो ओफिलिया है वो। तो मिस्टर क्लेयर क्या करते हैं उसके लिए कि मिस्टर क्लेयर, सेंट क्लेयर फील्स नो हॉस्टिलिटी अगेंस्ट ब्लैक बट टॉलरेट्स स्लेवरी बिकॉज ही फील्स पावरलेस टू चेंज इट। यहाँ पे ब्लैक्स को लेके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर क्लेयर को, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो खुद भी तो स्लेव रख रहे हैं, टॉम अंकल उन्हीं के पास में तो हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि वो चेंज नहीं कर सकते इस सिस्टम को। तो ओफिलिया को यहाँ पे क्या करते हैं कि वो एक ब्लैक गर्ल को लेके आते हैं, यंग ब्लैक गर्ल टॉप्सी नाम की, मिस्टर क्लेयर जो हैं, और वो अपनी कज़िन ओफिलिया को दे देते हैं और ये काम देते हैं कि तुम इसको, फिर टाइम के साथ में बहुत लोग चेंज भी हो जाएंगे नॉवल में, जो माइंड उनका चेंज भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि टॉम है वहाँ पे सेंट मिस्टर क्लेयर के साथ में रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं अब, और एवा जो है उन उसके साथ में काफ़ी बॉन्डिंग भी है, लेकिन यहाँ पे एवा की तबीयत ख़राब होती जा रही है दिन भर दिन, और एट द एंड वो मर भी जाती है। मरती है तब वो ऐसे कहती है कि उसे एक विज़न आया है हेवन का, और वो ये भी चाहती है अपने फादर को ये भी कहती है कि तुम सारे स्लेव्स को बेच दो इन द सेंस सॉरी फ्री कर दो। तो वो कहती है कि ये सब चीज़ सही नहीं है। और यहाँ पे जब उसकी डेथ होती है एवा की, तो सब बहुत से लोगों का पे इफ़ेक्ट नज़र आता है उस चीज़ पे कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ओफिलिया है वो रिजॉल्व टू लव द स्लेव्स को प्यार करने लग जाती है, क्योंकि टॉप्सी से उसका काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। टॉप्सी एक ऐसी गर्ल होती है कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती है, वो मतलब यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स पे भी नहीं, वो कहती है कि मतलब मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जी रही हूँ जब से पैदा हुई, तो उसको भी अटैचमेंट हो जाता है। और जहाँ पे मिस्टर क्लेयर हैं वो अपनी बेटी के कहने पे ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपने स्लेव्स को फ्री कर दूंगा, लेकिन ये जो डिसीज़न इसको इम्प्लीमेंट करते उससे पहले ही वो मर जाते हैं, सेंट क्लेयर मींस मिस्टर क्लेयर। अब क्या होता है कि मिस्टर क्लेयर की जो क्रूअल वाइफ होती है मैरी क्लेयर, वो नहीं करती है, मतलब उसने जो काम छोड़ा था अधूरा वो उसको कंप्लीट नहीं करती है। उसका ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है अपने हस्बैंड की तरह कि मैं अपने सर्वेंट्स को फ्री कर दूंगी, उल्टा वो क्या करती है कि टॉम को एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो क्रूअल ओनर को बेचती है, प्लांटेशन ओवर ओनर को बेचती है जिसका नाम है साइमन लिग्री। अब लिग्री जो है वो एक ड्रंकर्ड है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है और अपने स्लेव्स को बहुत ब्रूटली पीटता है। अब यहाँ पे उसके पास में और भी स्लेव्स होते हैं, जैसे कैसी है वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है, वो लिग्री के पास में स्लेव है, एक लेडी है, और वो लेकिन वो कई बार उसको बचाने की कोशिश भी करती है अंकल टॉम की जब बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, लेकिन अंकल टॉम बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी पे विश्वास करते हैं, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं शायद भगवान एक दिन सब कुछ सही कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पैसिफिस्ट हैं। यहाँ पे मिस्टर शेल्बी जो हैं उनका जो बेटा है और जो ट्रैकिंग वगैरह चल रही है टॉम के लिए कि टॉम को ढूंढ के लाया जाए, मिस्टर शेल्बी ऐसा चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ये समझ में आता है कि जो स्लेव्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको फ्री करना चाहिए, ऐसे मतलब उनका काफ़ी माइंडसेट चेंज हो चुका है। तो वो ढूंढते ढूंढते अंकल टॉम को वहाँ पे लिगरी के प्लांटेशन पे आ जाते हैं, और उसके बाद में जब वो टॉम को देखते हैं तो उस टाइम तक टॉम मतलब मरने की हालत में होता है। क्यों होता है मरने की हालत में? क्योंकि साइमन लिगरी ने उसे इतना पिटवाया होता है, इतना पिटवाया होता है कि वो मरने की हालत हो जाती है। क्योंकि जो कैसी और एमेलाइन नाम की जो दो स्लेव्स थी मिस्टर लिगरी की, उनको वो फ्री करने में उनकी हेल्प करता है कि जब वो भागती हैं तो उनके हेल्प करता है और उनके बारे में बताता भी नहीं है इसलिए। तो जब वो मरने वाला होता है उस टाइम पे मिस्टर शेल्बी वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद में टॉम मर भी जाता है, बरीड किया जाता है, और शेल्बी एक स्टीम बोट में
केंटकी वापस आ जाते हैं, मतलब अपने प्लेस पे वापस आ जाते हैं। वहाँ पे वो कैसी और एमेलाइन से मिलते हैं जो भाग गई थी मिस्टर लिगरी के प्लांटेशन से। तो यहाँ पे वो सारे लोग मिलते हैं, द थ्री देन मीट एमिली डेथॉक्स। जैसा कि मैंने बताया, एक एमिली नाम की पर्सन से वो मिलेंगे, कैसी, एमेलाइन वगैरह। तो ये यहाँ पे जब मिलती हैं एमिली से, तो बाद में पता चलता है कि जॉर्ज हैरिस की सिस्टर हैं जो एमिली हैं वो। और कैसी जो है वो एलिजा की मदर निकलती हैं, जो कैसी जो थी साइमन लिगरी की जो सर्वेंट थी, वो कैसी एलिजा की मदर थी। अब एलिजा उससे अलग हुई थी इसी सिस्टम की वजह से कि सर्वेंट्स के बच्चों को बेच दिया जाता है, तो इस वजह से एलिजा को उसने किसी टाइम में उससे लेकर बेच दिया गया था। शेल्बी जो थे उसने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया था। यहाँ पे पूरे चेंज हो चुके हैं। शेल्बी वैसे भी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वो सर्वेंट्स को बिल्कुल फ्री कर रहे थे। कैसी, एमेलाइन और एमिली जो थे वो अब कनाडा की तरफ निकल गए थे, क्योंकि कनाडा में वो एलिजा और जॉर्ज से मिलते हैं, क्योंकि जो पहले भाग चुके हैं वहाँ से। अब ये बाकी के जो स्लेव्स हैं वो भी वहीं पे पहुँच जाते हैं कनाडा में। और इस तरीके से जो हैरिस फैमिली होती है, और हैरिस फैमिली दैट मीन्स एलिजा एंड जॉर्ज और हैरी, उनका जो बेटा है वो, और कैसे यहाँ पे सारे मतलब लिब्रिया की तरफ ट्रैवल करने की तरफ बढ़ जाते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, मे बी वहाँ पे हमें फ्रीडम मिले कि एक्स स्लेव्स के लिए फ्री जगह हो रहने के लिए, जहाँ पे हम आराम से रह सकें, तो वहाँ की तरफ ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं। और जो नोवेल है वो इसी के साथ एंड होता है कि मतलब स्लेवरी इज़ इन डीड अ वेरी क्रूअल एंड एवल इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी अबॉलिश्ड, कि स्लेवरी बहुत ही बुरी चीज़ है और बहुत ही गलत काम है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम लास्ट में, एट द लास्ट, टॉम्स कैबिन, अंकल टॉम्स कैबिन नाम क्यों है इसका। तो अंकल टॉम का जो मतलब, जब मिस्टर शेल्बी वापस आते हैं और सारे स्लेव्स को फ्री कर देते हैं, तो जहाँ पे अंकल टॉम रहते थे, जिस कैबिन में, जिस कमरे में, तो उसको कैबिन नाम दिया गया है, स्लेव्स रहते थे जहाँ पे। तो वो जो अंकल टॉम का कैबिन था, उसको जब भी कोई देखता था तो उनकी जो सेक्रीफाइस थे, जो वो क्रिश्चियनिटी में अपना फेथ रखते थे और वो कितने अच्छे इंसान थे, वो सारी चीज़ें लोगों को याद आ जाती थी जब जब उसके कैबिन को देखते थे, अंकल टॉम के कैबिन को। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, अंकल टॉम्स कैबिन। Hope you like it. If you like, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and